जय माता दी। दोस्तों माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता आदिशक्ति की पूजा अर्चना करने से माता रानी स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता रानी के लिए अगर आप सच्चे हृदय से छोटा सा कोई खाने की वस्तु यानी कि भोग भी लगा देते हैं तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती हैं और जितनी भी मनों में दबी हुई इच्छाएं हों वे मनोकामनाएं हों वे भी पूर्ण हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिनों में से माने जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, एक ऐसे ही खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस नवरात्रि कर लेते हैं तो आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। इसलिए दोस्तों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और माता लक्ष्मी में अटूट विश्वास रखने के लिए और जो भी अपने व्यक्ति अपने घर में माता लक्ष्मी को स्वयं बुलाना चाहता हो ऐसा व्यक्ति एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ लक्ष्मी एक बार अवश्य लिख दो। दोस्तों साथ ही इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं उस शास्त्रों में लिखे हुए विशेष उपाय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो। यहाँ डाल दें थोड़े से चावल, बनेंगे सारे बिगड़े काम, मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। दोस्तों वीरवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ अथाह धन की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं कि वीरवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन आदि करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए वीरवार का व्रत करने वाला, पूजन विधि करने वाला व्यक्ति हमेशा ही स्थायी लक्ष्मी का मालिक बन जाता है। उसके घर में स्थायी लक्ष्मी सदा ही वास करती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी सदा ही विराजित रहती हैं। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी का स्वामी कहा जाता है। इसीलिए धन धान्य के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा से सभी रोग दोषों का भी नाश हो जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान विष्णु को जो भी जातक प्रसन्न कर लेता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, कभी भी पैसे का अभाव नहीं होता है, कभी भी उसे कर्जे का या फिर आर्थिक तंगी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। बस यहाँ डाल दे थोड़े से चावल, बनेंगे सारे बिगड़े काम, मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र की माने तो आप चाहें तो इस उपाय को सुबह या शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। उत्तम होगा कि आप सुबह के समय इसे करें, इससे ज्यादा अच्छे फल की प्राप्ति होने की कामना की जा सकती है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद थोड़े से चावल लेकर आए। चावल साबुत होने चाहिए दोस्तों, टूटे फूटे या खंडित चावल नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भगवान विष्णु की पूजा में साबुत चावलों का ही इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यदि खंडित चावलों के इस्तेमाल को किया जाए तो किसी अनिष्ट की भी कामना हो सकती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूले और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, पूरी विधि का ज्ञान हो सके। अधूरी विधि से किया गया कोई भी उपाय आपको फल नहीं प्रदान कर सकता है। अब दोस्तों थोड़ी सी हल्दी लेकर के या फिर केसर लेके इन चावलों को पीले रंग का रंग दे। इसके लिए आप चाहे तो चावलों को थोड़ा सा धो सकते हैं या गीला कर सकते हैं ताकि सभी चावलों के ऊपर पीला रंग चढ़ जाए। अब लाल रंग के पुष्पों से और एक देसी घी के दीपक से अपने नित्य पूजा करें। अब रोली की सहायता से भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर पर तिलक करें और साथ ही माता लक्ष्मी के की तस्वीर या मूर्ति पर भी तिलक करें। माना जाता है कि इस प्रकार से भगवान विष्णु के पूजन से भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आपका जुड़ाव संपन्न होता है। अब जो चावल आपने पीले रंग के रंग दिए हैं, उन्हें अपने सीधे हाथ में उठा करके हमारे द्वारा बताए गए इस खास महामंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार जाप पूरा कर लें और उसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने या फिर मूर्ति के सामने या फिर आप माता लक्ष्मी के समक्ष अगर ये उपाय कर रहे हैं तो उनके सामने इस चावल से एक ढेरी बना दें और जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था
देसी घी का उस दीपक को इस चावल के ऊपर रख दे। इसके बाद अब माता लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप करे। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप हाथ जोड़ करके अपनी सभी समस्याओं के बारे में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बता दें और आर्थिक दृष्टि से अपने आप को संपन्न करने के लिए, अपने आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए माता लक्ष्मी को न्योता दें, अपने घर में बुलाएं और साथ ही साथ अपनी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु से कह दें और अपनी समस्याएं भी कह दें। दोस्तों, अगर ये उपाय आप सुबह के समय कर रहे हैं तो जब तक दीपक पूरा जल न जाए तब तक आप इंतजार करें, और अगर शाम के समय कर रहे हैं तो आप जा करके विश्राम कर सकते हैं। दीपक पूरा जल जाए या फिर अगले दिन की सुबह आप इन चावलों को उठा करके एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दें। मात्र इतना सा उपाय करते ही माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाएगा। माता लक्ष्मी को खुद आपके पास चल करके आना पड़ेगा आपकी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए। आपको आर्थिक दृष्टि से पैसे की तंगी दूरी करने के लिए माता लक्ष्मी खुद आपको आशीर्वाद देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जय बजरंगबली।